सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी में। ओके, हम देख रहे थे क्लास 12 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 चालू होगा रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, ये पार्ट ये चैप्टर जो है ये अभी खत्म होने जा रहा है, ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, पार्ट नंबर 8 है। ओके, पार्ट 7 तक पूरा मैंने अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो जो जाके देख लो। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते आगे देखते हैं। ओके, तो इसकी मैं प्लेलिस्ट बना के हमारे चैनल पे डाल दूंगा। ओके, तो आप मतलब विजिट कर सकते हो। ओके, चलो आज का फर्स्ट। ओके दोस्तों, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन मतलब क्या, देखो द इवेंट फॉर्म डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टन इंटरेक्शन। ओके, तो इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। पहली बार मतलब देखो इसमें क्या क्या कह रहा है ये, जो मतलब ऐसा एक इवेंट जिसमें पोलन ग्रेन जो होती है वो स्टिग्मा के पास जाते हैं, पर कैसे जाते हैं, कहाँ से एंट्री होती है उसकी, उसकी एंट्री होती है पोलन ट्यूब की मदद से और कहाँ तक, ओव्यूल तक। ओके, और उसे हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग था इसका। सेकेंड मतलब इसके इसमें तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट है प्रोटेंड्रा, सेकेंड प्रोटोगैमी, थर्ड है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। ओके, तो मैं आपको बताऊँ, तो चलो हम देखते हैं, फर्स्ट अपन देखते हैं हम प्रोटेंड्रा। ओके, प्रोटेंड्रा मतलब क्या है, द पोलन ग्रेन आर रिलीज बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसीव, मतलब पोलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं बट बिफोर मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा, मतलब देखो मैं आपको अच्छे से बताओ थोड़ा रफ करके। ओके, तो पोलन ग्रेन आर रिलीज, पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं बिफोर, मतलब उससे किसके पहले, स्टिग्मा रिसेप्टिव होने से पहले पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्रा। ओके, मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ ही नहीं और पहले अगर पोलन ग्रेन रिसीव हो गए तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्रा बोलते हैं। ओके, सेकेंड दोस्तों प्रोटोगैमी मतलब स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पोलिनेशन, मतलब पोलिनेशन होने से पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोगैमी। ओके, सेकेंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या, द पोलन ग्रेन आर अनेबल, मतलब वो जो पोलन ग्रेन है वो सक्षम नहीं है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ओके, जो पोलन ग्रेन है वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए सक्षम नहीं है, बट वो कहाँ पर है, मतलब सेम फ्लावर पर है वो, मतलब एक ही फ्लावर पे वो पोलन ग्रेन सक्षम नहीं है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके, मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की, अगर आप बुक में जाके देखोगे आपने अपने तो मतलब आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मतलब अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बहुत सारा लिख के दिया है, इतना मतलब पूरा ऐसे ही लिख के दिया है उन्होंने उसके बारे में। ओके, इसलिए उसको आप प्रेफर नहीं करो तो अच्छा है कि आप इसे ही प्रेफर करो। मैं इसकी लिंक, मैं इसका जो फोटोग्राफ है मतलब जिसकी पीडीएफ है, मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, अगर आपने जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। ओके, मैं वहाँ पे सभी चैप्टर की नोट्स डालता रहता हूँ। ओके, तो दोस्तों पार्ट नंबर मतलब जो पॉइंट 4 है वो 4 पॉइंट थोड़ा अलग है उससे। ओके, देखो पार्थेनोकार्पी, अभी तो पार्थेनोकार्पी मतलब क्या, ओके द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट। ओके, एक फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब उसकी डेवलपमेंट ऐसी हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फिर भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ओके, दूसरे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ओके ओके, और सेकंड नंबर पॉइंट है उसका, इट इज इन दिस फ्रूट डज नॉट हैव एन सीड। ओके, मतलब इन फ्रूट में क्या होता है, सीड प्रेजेंट नहीं होते। ओके, इनके एग्जांपल क्या है, बनाना और ग्रेप थे। ओके, तो दोस्तों एक पॉइंट मिस रहेगा इसलिए मैं नीचे लिख गया। ओके, तो आप कभी भी क्या करने का पूरा मतलब पॉइंट पूरा जो हमारा टॉपिक होता है उसे एक्सप्लेन कर लेंगे पेपर में भी और बाद में आखिरी में एग्जांपल लिखने का। ओके, थोड़ा मुझसे एक रह गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, तो फोर नंबर टॉपिक दोस्तों हमारा, दीज फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, मतलब ये फ्रूट होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के मतलब अलावा वो डेवलप हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ये सिंपल सा मतलब हमारा टॉपिक था पार्थेनोकार्पी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।